जी हाँ दोस्तों, सभी फैंस इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है असली सच। बात करें सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो निधन के कुछ घंटों बाद ही मुंबई पुलिस ने ये दावा किया था कि ये अपनी ही जान लेने वाला मामला है। लेकिन जैसे जैसे सुशांत सिंह की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, तो उनको लेकर कई यूजर्स ने दावा किया कि ये अपनी जान लेने का मामला नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी जिसने इस अपराध को सही ढंग से अंजाम दिया है। लेकिन कोई भी खबर इस बात की अभी तक पुख्ता सबूत नहीं साबित करती है। साथ ही साथ फिर सामने आता है नेपोटिज्म का विवाद। नेपोटिज्म को लेकर जहां पर कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक मुंबई पुलिस ने जांच की, 40 से अधिक बड़े बड़े नामी ग्रामीण चेहरों से पूछताछ की, तो कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया और उसको वहीं दफा दफा कर दिया गया। लेकिन फिर डिप्रेशन का मामला सामने आया, जिसमें रिया चक्रवर्ती बुरी तरीके से फंस चुकी थी। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा कि रिया ही सुशांत के डिप्रेशन की वजह है। फिर उसके बाद एक और नया एंगल जुड़ा, ड्रग्स का एंगल जुड़ने के बाद सुशांत सिंह केस में फैंस के चेहरों पर थोड़ी बहुत खुशी देखने को मिली, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां इसमें हुई। लेकिन अभी तक अपराधी कौन है या फिर सुशांत सिंह ने अपनी जान ली है, इस बात को साबित नहीं कर सका है कोई भी बड़ी जांच एजेंसी, फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर एनसीबी हो। एनसीबी ड्रग्स एंगल की जाँच कर रही है, सीबीआई जहाँ कुछ हफ्तों तक सुशांत सिंह ने जान किसने ली है या सुशांत सिंह ने अपनी जान ली है इस एंगल को लेकर जाँच की, तो वहीं उस केस के साथ दिशा सालियान केस को भी जोड़ दिया गया। उसमें कुछ करेक्शन की बात सामने आई, जिसके चलते सुशांत सिंह काफ़ी परेशान थे। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला सुशांत सिंह केस में बड़ा मोड़ तो जब आया, जब ईडी के द्वारा कुछ व्हाट्सएप चैट वापस यानी रिट्रीव किए गए और फिर सबके सामने लाया गया। ड्रग्स एंगल का जुड़ा तो फिर कई बड़े खुलासे हुए। लेकिन सुशांत सिंह केस में आखिर क्या है असली सच? एक अभिनेता के कई चेहरे होते हैं फिल्मों में, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता थे, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी में इतने केस में उनके इतने करवटें बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे एक फैंस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है और यही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर कब मिलेगा सुशांत सिंह केस में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय। क्योंकि हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत हर कोई लिख तो देता है, लेकिन उस केस में ऐसा कौन सा बड़ा राज है जो अभी तक छुपा हुआ है? क्योंकि कोई चीज़ इतनी आसानी से हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके पीछे की असली सच्चाई, उसकी हकीकत क्या होती है, वो आप सभी के सामने है। जहां पर इतने लंबे समय के बाद भी तीन बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी, ईडी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तारी इस बात का बड़ा दावा, इस बात की बड़ी सबूत पेश करती है कि सुशांत सिंह केस में कई और अपराधी भी साबित हो सकते हैं, लेकिन आखिर कब? सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में डिप्रेशन, नेपोटिज्म या फिर ड्रग्स एंगल, किस में सुशांत सिंह राजपूत के अपराधी का नाम सामने आ सकता है? क्या वो नेपोटिज्म विवाद होगा, क्या वो डिप्रेशन का विवाद होगा या फिर होगा ड्रग्स एंगल का? क्योंकि तीनों ही एंगल में थोड़े थोड़े खुलासे हुए हैं, पूरा नाम अभी तक किसी भी अपराधी का सामने नहीं आया है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत अपनी ही जान लिए होंगे किसी खास कारण के चलते। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।